पुष्कर मेड़ता रेल लाइन को 10 साल बाद मिली वित्तीय स्वीकृति। 59 किलोमीटर की इस रेल लाइन से जोधपुर जैसलमेर नागौर की दूरी होगी कम, बचेगा यात्रा का समय। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहुप्रतीक्षित पुष्कर मेड़ता रेल लाइन की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। गौरतलब है कि 2012-13 और 2013-14 के रेल बजट में मंजूर इस कार्य के लिए 322.98 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। बजट नहीं मिलने से काम समय पर शुरू नहीं हो पाया था। पुष्कर मेड़ता रेल मार्ग से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सांसद भगीरथ चौधरी ने रेल लाइन के इस प्रोजेक्ट के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में बजट स्वीकृति का आवेदन किया था। अजमेर से बीकानेर के लिए सीधी ट्रेन भी अब मिल पाएगी। इस रेल लाइन से उत्तरी भारत का अजमेर और गुजरात से सीधा संपर्क हो जाएगा। जोधपुर जैसलमेर नागौर बीकानेर का सीधा रेल मार्ग आम जन को उपलब्ध होगा। पुष्कर मेड़ता के 59 किलोमीटर ट्रैक पर फाइनल लोकेशन सर्वे लगभग पूरा हो गया है। प्रोजेक्ट की डीपीआर का काम चल रहा है। यह ट्रैक बीकानेर मंडल के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रैक के शुरू होने से बीकानेर के यात्रियों को अजमेर और उदयपुर के लिए सीधी ट्रेन मिल सकेगी। वर्तमान में अजमेर के लिए मारवाड़ होकर जाना पड़ता है, बाद में मेड़ता होकर अजमेर यात्रा की जा सकेगी। इससे यात्रा की दूरी और समय दोनों की बचत होगी। सर्वे के दौरान स्टेशन ट्रैक सिंगल डबल क्रॉसिंग और बिल्डिंग का नक्शा तय कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट भी रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है। मेड़ता पुष्कर रेल लाइन को धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर रामदेवरा, बीकानेर के देशनोक में करणी माता मंदिर, नागौर में सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का दरगाह, पुष्कर से ब्रह्मा जी का मंदिर, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और फिर श्रीनाथ जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को टुकड़े टुकड़ों में सफर करने के बजाय सीधी ट्रेन उपलब्ध हो सकेगी। अभी बीकानेर से जाने वाले यात्रियों को मेड़ता जाकर ट्रेन बदलनी पड़ती है और आगे का सफर बस से तय करना पड़ता है। 59 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग पर 322.98 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा आने की संभावना है। इस रेल मार्ग की घोषणा साल 2013-14 के बजट के दौरान की गई थी। अब तक सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है।